नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और ये वीडियो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी, यानी वेट लॉस सर्जरी से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इनमें कितना सच है। और वो लोग जो सोच रहे हैं बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने के लिए लेकिन इन सब धारणाओं के चलते नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। सो हम एक एक करके इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे खतरनाक जो विचार हमारे मन में आता है कि क्या बेरियाट्रिक सर्जरी से डेथ हो सकती है, आप लोगों ने कुछ न्यूज़ सुनी होगी, कुछ लोगों से सुना होगा कि किसी ने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई और उसके बाद डेथ हो गई, और वो आपके मन में डर ऐसा बैठ गया कि आप इस डिसीजन लेने से घबरा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। डेथ होना किसी भी प्रोसीजर या किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व है। आप घर से उठ के डॉक्टर के क्लिनिक तक गए, हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ जाने में भी रोड साइड एक्सीडेंट होने में एक डेथ इन्वॉल्व है। किसी भी टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है और हमें सीरियस हर्ट हो सकता है। और किसी भी सर्जरी में एक लोअर इंसिडेंस या एक इंसिडेंस ऑफ डेथ इन्वॉल्व रहती है। कुछ सर्जरीज में ये इंसिडेंस ज़्यादा है जो मेजर सर्जरीज हैं, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी में डेथ का इंसिडेंस रेयर माना गया है। ये 1% से भी कम है, यानी अराउंड 0.1% के अराउंड है, यानी 1000 लोगों में से किसी एक की किसी कारण डेथ हो सकती है। और वो भी यूजुअली उन पेशेंट्स में कॉमन है जो पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, यानी उनका वेट बहुत ही ज़्यादा है, जिनमें बहुत पुरानी डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, की प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट्स में किसी भी ऑपरेशन में डेथ होने की संभावना नॉर्मल ऑपरेशन या नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा रहती है, और इसीलिए इन बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स में भी उन पेशेंट्स की डेथ होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज़ बेरियाट्रिक सर्जरी में डेथ होने का चांसेस इज़ जस्ट अराउंड 0.1%, जो कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। गॉल ब्लैडर सर्जरी बहुत कॉमन है, आपके घर में, आपके आसपास कुछ लोगों की ऑलरेडी हुई होगी। ये दूरबीन से होने वाला सबसे कॉमन प्रोसीजर है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी, और उसमें जितना डेथ का रिस्क है उतना ही लगभग बेरियाट्रिक सर्जरी में भी है। डरिए नहीं, डेथ इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न। फिर लोग डरते हैं कि ऑपरेशन के बाद वेट बहुत कम ना हो जाए, तो अगर आप जो रिकमेंडेड डाइट है कि आपने प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा लेनी है, समय समय पे खाना खाते रहना है, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट जितना चाहिए उतना ही कम होगा। यूजुअली पेशेंट्स का वेट कम नहीं होता, एज सच मैल नरिशमेंट या बहुत ज़्यादा वेट कम होने की प्रॉब्लम कॉमन नहीं है। आप जस्ट डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करेंगे तो वेट आपका नॉर्मली मेंटेन रहेगा। दूसरा कॉमन फेयर है कि क्या इसके बाद लीक हो सकता है, जो हम एनास्टमोसिस बना रहे हैं, स्टमक को छोटा कर रहे हैं या उसको आन से जोड़ रहे हैं, वहाँ से लीक हो जाए तो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन आजकल जो डिवाइसेस हैं वो बहुत सेफ़ हैं, स्टेपलर्स टेक्नोलॉजी के साथ पहले से बेटर होते जा रहे हैं और लीक रेट्स कम होते जा रहे हैं। बहुत रेयरली अगर किसी के अंदर लीक होता भी है तो उसको ठीक करने के लिए नई से नई मेथड्स आ गए हैं। सो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर लोग सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ सकती हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ऑपरेशन के बाद हम एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ डाइट पहले कुछ दिनों के लिए एडवाइस करते हैं कि आप इस पैटर्न में खाइए, पहले लिक्विड, फिर थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड, सॉलिड्स लीजिए, और उसकी क्वांटिटी भी हम आपको बताते हैं कि इस क्वांटिटी में लीजिए। तो अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना या रिपीटेड वॉमिटिंग होने की प्रॉब्लम ज़्यादातर पेशेंट्स में नहीं होती। किसी भी मेथड से अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो या रैपिड वेट लॉस हो तो उससे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क रहता है। ये बेरियाट्रिक सर्जरी में भी ट्रू है, लेकिन हर एक पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन ना बने इसके लिए पहले एटलीस्ट 6 मंथ्स तक दवा दी जाती है। जब तक आपका वेट लूज़ हो रहा है वो दवा कंटिन्यूड रहती है, और इससे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सो ज़्यादातर पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनता। अगर किसी रेयर पेशेंट में बनता भी है तो उसका बड़े आराम से दूरबीन से ऑपरेशन किया जा सकता है। सो इस डर से भी ऑपरेशन ना करवाना समझदारी नहीं होगी। फिर कुछ लोग समझते हैं कि ऑपरेशन में बहुत ब्लड लॉस होगा, हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी सही नहीं है।
ऑपरेशन में आजकल एडवांस्ड वेसल सीलिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो कट करने से पहले ही ब्लड वेसल्स को कोएगुलेट कर देती हैं, यानी कि उसमें से ब्लीडिंग होने का चांस बहुत कम कर देती हैं। सो बेरियाट्रिक ऑपरेशंस में ब्लड लॉस बहुत कम होता है और जो हम जोड़ लगाते हैं उसमें भी स्टेपलर्स की मदद से ब्लीडिंग बहुत कम या ना बराबर होती है। सो ब्लीडिंग एज सच इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न। अगर किसी किसी पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो भी जाए तो उसको बड़े आराम से यूजुअली कंट्रोल किया जा सकता है। मेजर ब्लीडिंग का इंसिडेंस एज सच बहुत कम है। फिर एक क्वेश्चन है कि लोगों ने सुना है कि ऑपरेशन के बाद हर्निया होने का डर रहता है। सो किसी भी ऑपरेशन के बाद हर्निया होने का एक इंसिडेंस है। पेट में अगर ओपन सर्जरी की जाए तो हर्निया होने का चांस दूरबीन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी हमेशा ही दूरबीन से की जाती है। कट बहुत छोटे होते हैं इसलिए इसमें ऑपरेशन के बाद हर्निया होने का चांस बहुत ही कम रहता है। फिर एक क्वेश्चन है कि ऑपरेशन के बाद ब्लड क्लॉट बन सकता है लेग्स में या ब्रेन में। तो हर एक बेरियाट्रिक पेशेंट का हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं, लेग्स में देखते हैं कि कहीं कोई प्री एग्जिस्टिंग क्लॉट ना हो। उसके बाद ऑपरेशन के टाइम पर भी कई सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। कुछ स्पेशल डीवीटी प्रोफाइल एक्सेस पंप्स यूज़ किए जाते हैं जो लेग्स को रूटीनली मसाज करता है। हाई रिस्क पेशेंट्स में ब्लड थिनर्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ड्यूरिंग सर्जरी कोई क्लॉट ना बने। सो एज सच ब्लड क्लॉट्स बनने का इंसिडेंस बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद इंडियंस में कोई ज़्यादा नहीं है अगर ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाएँ। फिर लोगों को डर रहता है कि क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा है, पेट बहुत भारी है, तो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन ना हो जाए। हर एक पेशेंट जिसका वेट ज़्यादा है, पेट में फैट बहुत ज़्यादा है, उसको नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आप कोई भी ऑपरेशन करवाते हैं तो हैवी वेट पेशेंट्स में जिसमें एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, नॉर्मल थिन पेशेंट्स के मुकाबले इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरीज सभी की सभी दूरबीन से की जाती हैं तो इसलिए कट छोटा होने की वजह से इसमें इन्फेक्शन का रेट कुछ ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई और ऑपरेशन होता है तो उसमें आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, या ओपन सर्जरी होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। अगर आप बेरियाट्रिक करवा लेते हैं और वज़न कम कर लेते हैं तो बची हुई लाइफ में अगर कोई सर्जरी होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने का रेट नॉर्मल रेट तक वापस आ जाएगा। कुछ लोग डरते हैं कि ऑपरेशन के लिए जब बेहोश किया जाएगा तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। हैवी वेट पेशेंट्स में नॉर्मल पेशेंट्स के मुकाबले बेहोशी का खतरा कुछ हद तक ज़्यादा होता है, लेकिन बेरियाट्रिक सेंटर्स में उन लोगों को बेहोश करने के लिए जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट या बेहोश करने के लिए जो एक्स्ट्रा सामान चाहिए वो सभी मौजूद रहता है। एनेस्थेटिस्ट भी एक्स्ट्रा ट्रेंड रहते हैं। सो इसलिए इसका रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं होता और इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे बेरियाट्रिक सेंटर में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको जो कॉमन फियर्स हैं, जो आपके मन में ख्याल हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, उनका आपको आंसर मिला होगा, आपके अंदर का डर थोड़ा कम हुआ होगा और आप अपना फ़ैसला पहले से बेटर ढंग से ले पाएंगे। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट।